दिल नहीं चाहा कि इनको मैं वापस कर सकूं, और ये भी चीज है कि जिसको खुशी मनाई जाती है। कुरान कह रहा है वो अपनी कोई निकम्मा यजमान, दुनिया भर की नेमत एक तरफ जमा कर दी जा रहे हैं और एक तरफ अपने बेटे या पोते या भाई का हाफिज और आलिम बना, इतनी बड़ी नेमत है कि वो वकील निकम्मा यजमान, दुनिया भर की नेमत है इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बहुत अजीम नेमत है, काश कि इस उम्मत को अल्लाह इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। एक बच्चे का हाफिज हो जाना, एक बच्चे का आलिम हो जाना, लेकिन अल्लाह जिसे चाहते हैं उसी ये नेमत अता फरमाते हैं, अल्लाह जिसे चाहते हैं इसे देते हैं। बस्ती में, किसी मजलिस, किसी मस्जिद में हजरत शेख और मुर्शिद हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, मैंने इसी जगह पर बैठकर हजरत से एक जुमला सुना था, आपकी फीस कठोरा के मजलिस में एक बच्चे के हाफिज कुरान होने पर हजरत मुफ्ती साहब आए, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने एक मरतबा खुशियां मना रहे थे, अल्लाह के हबीब वहां से गुजरे और फरमाया बिलाल अकेले अकेले में चल रहे हैं, बिलाल अकेले अकेले खुशियां मना रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। फरमाता है कि हबीब पे बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अल्लाह तेरा एहसान है कि ईमान की दौलत का इंतजाम तूने आसमानों से फरमाया, कि तू जिसे चाहता है इसको ईमान की दौलत देता है, ये फैसला आसमानों से हुआ है। फरमाया दुनिया के मालदारों को या दुनिया के बादशाहों को तू दे देता है, जाओ तुम जिसे चाहे अमीर बना, जब जिसे चाहे उसको ईमान की दौलत दे दे। बिलाल फरमाते थे हजरत बिलाल अल्लाह के हबीब, ये बिलाल जिसके कपड़ों पर इतने पैवन लगे हो रहे हैं, ये बिलाल जो इतना काला करोटा है, एक हमशा का रहने वाला है, इसको कौन यहाँ घर के ईमान की दौलत देता है, कौन देते इसको ईमान की दौलत। लेकिन ईमान का फैसला अल्लाह ने आसमानों से फरमाया। हजरत याकूब मुफ्ती साहब ने इस पर एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया कि मुफाहिम के कुरान और आदी के दीन की दौलत का फैसला भी अल्लाह ने आसमानों से फरमाया, अल्लाह जिसे चाहते हैं इसे ये दौलत अल्लाह फरमाया। वरना अगर दुनिया के मालदारों और बादशाहों के पास होता तो हम गरीब घराने के बच्चों को कौन याद करके ये दौलत अता फरमाता, कौन ये दौलत देता। हमारे यहाँ बाद मरतबा मदारिस में जो बच्चे आते हैं हम देखते हैं, कोई राजस्थान से, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई गुजरात, कोई डीडियापाड़ा में उस तरफ के जंगल के इलाकों से, बाद जगहों पर हम देखते हैं बच्चों को बिल्कुल झोपड़ी में रहने वाले, पत्थरों के नीचे बैठने वाले। लेकिन अल्लाह ने फैसला आसमानों से फरमाया, वो मदरसे में आया और बेहतरीन चीज आलिम और हाफिज हो गया। ये भी हटवाड़ा वालों और लोगों पर अल्लाह का बहुत एहसान है, इसकी नामकदरी ना करना एक बार जरूरी था। इसलिए नहीं कि मैं आलिम है तो मैं आलिम की फजीलत बयान करने आया हूं, नाकदरी ना करना, नाकदरी पर अल्लाह महरूम कर देता है। अल्लाह ने आप लोगों की बस्ती में तो माशाल्लाह उफास भी बहुत पैदा फरमाए हैं और उलमा भी बहुत, लेकिन कदर कर रही
बल्कि मैं एक ईमान हूँ कि अल्लाह ताला ने हथौड़ा वालों तुमको एक दौलत ऐसी दी है कि हथौड़ा का जो भी बच्चा होता है अगर उसका कुरान मैंने तो अपनी जिंदगी में नजरों के उसकी बात करता हूँ। हथौड़ा का जो भी बच्चा होता है मैंने देखा कि वो बेहतरीन कुरान पढ़ता है। या गाँव वालों को अल्लाह ने एक नेमत दी है। हथौड़ा का जो भी बच्चा मैंने देखा उसको मुसल्ले पर खड़ा करते तो बेहतरीन कुरान पढ़ता है। अभी हमारे मौली साहब ने भी ये कुरान सुनाया माशाल्लाह। दिल चाहता था कि ये कुरान सुनते रहे और ये दौलत अल्लाह ने हथौड़ों के हर हिफ्ज और हाफिज और आलिम को अता फरमाया। अल्लाह तआला गदानी की तौफीक अता फरमाए। अभी अभी हमारे यहाँ से हाफिज हमारे फैजल साहब का इंतकाल हुआ है। उसी के इंतकाल पर मेरा यहाँ आना हुआ था तो मैंने हकीकतन ये मंजर देखा हथौड़ा वालों एक हाफिज कुरान के इंतकाल पर। बस्ती का मुझे ऐसा लगता था कि शायद बस्ती का एक बच्चा या जवान भी घर में नहीं बचा होगा। कब्रिस्तान में देखा मैंने वो मंजर। अल्लाह ये मोहब्बत हाफिज कुरान की तूने आसमानों से तेरे दिल में डाल दिया कि कोई अपने आंखों से आंसू निकाल रहा था तो मैंने एक एक आदमी की निगाह में दौड़ा रहा था तो किसी का दिल रो रहा था तो किसी के आगे हो गए। अल्लाह हमेशा के लिए कदरदानी उस हाफिज फैजल के बाप में भी यही कब्रस्तान के बाहर बैठ कर हमारे कई संजीव साहब शासरुद्दीन ने मुझे बताया। अल्लाह ताला कल साहब के ऊपर बरकत दे। कल साहब ने फरमाया कि गुज़िश्ता कल ये बच्चा सबक सुना रहा था कहाँ के बैठे बैठे वो मंजर मेरे सामने है इतना बेहतरीन कुरान पढ़ता था। कल साहब सुना रहे थे इतना बेहतरीन कुरान पढ़ता था कि दिल चाहता था कि ये बच्चा लंबा सुनाता रहे और हम सुनते रहे। यानी उस्ताद अपने शागिर्द के मुताबिक ये कह रहा है इतना बेहतरीन कुरान ये बच्चा पढ़ा। लेकिन भाई अल्लाह की अमानत से अल्लाह ने दे दिए हमें कोई भी एतराज का हक। अल्लाह का कोई फैसला हिकमत और मसलहत से खाली कोई फैसला हिकमत भाई। जैसे अल्लाह को हम जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है। अल्लाह भी ऐसे लोगों को अपनों को अपने पास जल्दी बुला देता है। तो हमें तो सब्र की सब्र के अलावा हमारे पास जरूर जुदाई और गम जरूर होता है। जुदाई और गम जरूर होता है। अभी अलैहि सलातु वस्सलाम के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु और कुछ सहाबा आपके साथ तशरीफ ले गए। आपके बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं। बेटे इब्राहिम आपके गोद में और आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि अभी आप भी रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये तो दिल की नरमी की बात है। आंखों से आंसू मोहब्बत और शफकत की बुनियाद पर निकल जाते हैं। लेकिन अल्लाह के हबीब का जुमला था ये अल्लाह इस इब्राहिम की जुदाई पर मेरे आंखों से आंसू जरूर निकलते हैं लेकिन फैसला तेरा है। इस फैसले पर मुझे कोई सवाल नहीं कोई सवाल नहीं। एक औरत काबतुल्लाह का तवाफ कर रही थी। काबतुल्लाह का तवाफ कर रही थी। तवाफ करते करते बोल रही है अल्लाह में इस पर भी राजी अल्लाह में इस पर भी राजी अल्लाह में इस पर भी राजी। एक अल्लाह के वली साथ में तवाफ कर रहे थे। पूछा कि क्या बोल रही है बख्शो। फरमाया मेरे दो बेटे थे आमतौर पर कुर्बानी में देखते रहते थे कि एक जानवर के गले के ऊपर छुरी गिराई जा रही है। फरमाया मेरे एक बेटे ने अपने दूसरे मासूम बच्चे को सुनाया दोनों छोटे थे। उस बेटे के गले पर कहा कि मैं भी तुझे बकरे पर जैसे छुरी गिराई जाती है मैं भी तेरे गले पर छुरी गिरा दिया। फरमाया एक बच्चे ने आवाज लगाई मैं दौड़ी दौड़ी गई मैंने देखा कि मेरा एक बच्चा इंतकाल कर चुका था। मारे डर के जिस बच्चे ने छुरी फिराई वो भागा। एक लकड़ियों का भाड़ा पड़ा हुआ था वहां छुप गया। वहां एक सांप रहा। मैं जब इस बच्चे की तलाश में निकली कि वो कहां भागा सांप ने काटा वो भी इंतकाल कर चुका था। मेरा एक मासूम बच्चा था मैं रोटी पका रही थी तंदूर पर और आवाज सुनकर मैं भागी थी। मेरा मासूम तीसरा बच्चा मैं जब वापस इसको तर...
ہوں نہ جہاں بھی گئی یہ حساب اس میں کوئی شک نہیں صبر پر اللہ وہ اجر عطا فرمائے گا جس کا ہم قدر و گمان بھی نہیں کر سکتے اس میں کوئی شک نہیں اللہ جو اجر عطا فرمائے گا جو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہیں ہے تو بہرحال تو ماشاء اللہ اس پر مجھے بات یاد آئی کہ کٹھوڑا والوں اللہ کا احسان ہے آپ کے یہاں اتنے حفاظ اور علماء ہیں لیکن قدردانی کریں ناقدری پر اللہ تعالیٰ میں نے ہم نے کئی مشاہیر کی باتوں میں اس کو سنا اللہ حفاظ اور علماء کی ناقدری پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں یہ عذاب دیتا ہے کہ ان کے خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ کی ایک سزا یہ ہے جو حفاظ اور علماء کی ناقدری کرتا ہے اللہ ان کے خاندانوں کو علم سے محروم کر دیتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی برکت سے بات ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب یمن کی طرف روانہ فرما رہے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے گئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ سوار ہے میرے آقا نیچے چل رہے ہیں حضرت معاذ رو رہے اللہ کے حبیب میں بھی نیچے چلوں آپ نیچے چل رہے ہیں میں سوار ہو کر جا رہا ہوں فرمایا معاذ میں تمہیں رخصت کرنے کے لیے آ رہا ہوں تم یمن کی طرف جا رہے ہیں لیکن حضرت معاذ کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب آپ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اتر آؤں اللہ کے حبیب کا جملہ تھا معاذ تمہارے سینے میں اللہ کا کلام ہے اس کی بنیاد پر میں تمہاری قدر کرتا ہوں میرا معاذ سوار ہو کر جائے گا چاہے میں نیچے چلوں یہ امت کو بدلا دیا حالانکہ آپ تو صاحب ہوتی ہیں اس نبی کو قرآن اترا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ماں تمہارے سینے میں کلام ہے آپ سوار ہو کر چلو اور میں نیچے چلوں گا مجھے اسی لیے یہ بات اللہ کے حبیب قیامت تک آنے والی امت کو بتلانا چاہتا ہے اور ایک جملہ میں جگہ جگہ یہ بتلا تھا حضرت عبدس اور لائی مرشی حضرت مفتی صاحب کا میں نے حضرت سے کئی جگہوں پر سنا فرمایا گجرات کے مسلمانوں گجرات کے مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو نعمتوں میں رکھا ہے آپ ہندوستان کے کسی کونے میں چلے جاؤ ایسی مساجد ایسے مزار ایسے مکانات ایسی سڑکیں ایسی جتنی بھی نعمتیں تم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ حالانکہ وہاں جتنے بیرسٹر ہوں گے جتنے وکلاء ہوں گے جتنے پڑھے لکھے ہوں گے ہمارے گجرات میں اتنے نہیں ہیں لیکن اللہ نے تمہیں جو نعمتوں میں رکھا ہے ہندوستان کے کسی کونے میں یہ نعمت نہیں حضرت یافتہ مفتی صاحب جگہ جگہ پر حضرت کے جملہ سنا فرمایا گجرات کے مسلمانوں یہ تمہارے باپ داداؤں کے ہمارے بڑے بڑے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں لگایا حفاظ بنایا علماء بنایا اپنی زمینیں مساجد میں دی اپنی زمینیں مدارس میں دی فرمایا یہ اس کی برکتیں ہیں گجرات کا مسلمان گجرات کا مسلمان ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جاتا ہے کسی بھی کونے میں پہلے اس کی فکر ہی ہوتی ہے کہاں مسجد بن جائے کہاں مدرسہ بن جائے گجرات کے مسلمانوں یہ نعمتیں جو ہیں یہ اس کی برکتیں لیکن جب اس کی ناقدری پر آؤ اللہ یہ نعمتیں چھین لے گا یا اس کی ناقدری نہ کرے اور میں یہ کر کے مت فقط کو کی افیلا کسی کا اللہ تعالیٰ آج بھی کتنے علماء خود میں نے کتنے سالوں میں ضروری میں یہاں کٹھوڑ میں کتنے میرے پاس پڑھ کر گئے ہوں گے کہاں کٹھوڑا افاد ہے علماء ہے کتنے کہاں کٹھوڑا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس عالم کی ضرورت ہمیں جب بچہ پیدا ہوگا کبھی اذان دینے کے لیے کوئی بسا بول رہا یہ بچہ اگر کچھ سمجھ بوجھ کی عمر پر پہنچے گا اس کو احکام سکھانے کے لیے مکتب میں بھیجیں گے تمہیں عالم کی ضرورت پڑی تمہیں اپنی نمازوں کے لیے عالم کی ضرورت پڑی تمہیں اپنی نماز جنازہ کے لیے عالم کی ضرورت پڑی تمہیں نکاح کرنا ہے تمہیں عالم کی ضرورت پڑی جس جگہ پر دنیا میں تم زندگی کے ابتدائی مرحلے میں بھی تمہیں عالم کی ضرورت تھی زندگی کے آخری مرحلے میں بھی تمہیں عالم کی ضرورت ہوگی بلکہ یہیں پر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے علماء کے پاس ملے گا جمعہ کا دن ہوگا جمعہ کے دن ایک میلا لگے گا سب جس میں جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ اللہ
सारी नेमतों के बाद पूछेगा कि मेरे बंदो और कोई नेमत की जरूरत है? अल्लाह तआला कितनी नेमतें अता फरमाई, आज तक कितनी नेमतें अता फरमाई और कोई नेमत फरमाई जाओ तुम्हारे उलमा से पूछो। क्या कहें कि अल्लाह तुम्हारे उलमा से पूछो? ये लोग अपने उलमा के पास आएंगे, फरमाए कौन सी नेमत? तो उलमा कहेंगे कि अल्लाह से कहे कि अल्लाह तूने अपना दीदार तो करवाया नहीं। फिर जुमा के दिन अल्लाह अपना दीदार हम सबको करवाएगा, और अल्लाह के दीदार के बाद वो नेमत लगेगी कि शायद जन्नत की दूसरी सारी नेमतें हमें लगेगी कि शायद कोई नेमत नबी की दे सकती। अल्लाह ताला वही युक्तल हिकमत फकत ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जिसके जिसको इल्म और हिकमत अता फरमाए, जिसके साथ अल्लाह खैर कसीर का इरादा करता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मयुरिदिल्लाह बिनी खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई चाहता है इसको दीन की समझ बूझ अता फरमाए, जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करता है। मोहम्मद रहमतुल्लाह से किसी ने सवाल किया, इंतकाल के बाद आपने देखा, फरमाया हजरत अल्लाह के सामने पेशी हुई क्या हुई? एक आप मुझे मालूम है, हमारे हजरत छोटा भाई हाजी हमारे अमीर साहब इस इलाके के एक मरतबा दीवा बयान के लिए गए, मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हो रहा था हमारे अमीर साहब छोटा भाई, अल्लाह ताला अमीर साहब की मगफिरत फरमाई, इस इलाके पर हमारे छोटा भाई का बहुत एहसान है, बहुत एहसान है छोटा भाई, अल्लाह इनकी उम्र रखे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमावे, दर्जात बुलंद फरमावे, जन्नत अल-फिरदौस में आला इल्लियीन अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए। तो मस्जिद के दरवाजे पर दाखिल हो रहा था, दुआ सलाम किया, मैंने कहा कि छोटा भाई से कुछ गुनहगार के लिए दुआ फरमाए, तो मुझे ख्वाब सुनाकर ये कहा, भाई आप दुआ करें, इसलिए कि इन्होंने कहा कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ताला के सामने पेशी हुई, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला से जब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह सवाल हुआ, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद अगर तुम्हें जहन्नम में भेजने का इरादा करता तो मैं तुम्हें इल्म की दौलत न देता, मैं तुम्हें जहन्नम में भेजने का इरादा करता तो मैं तुम्हें इल्म की दौलत न देता, मैंने तुम्हें इल्म की दौलत अता फरमाई है, इसका मतलब मेरा आपके साथ खैर का इरादा है। इसलिए बात छेड़ रहा हूं कि आज यूरोप की बहुत बड़ी साजिश है, और यूरोप ने साजिश में हमारे मुसलमानों की जमात को इस्तेमाल किया है, ये बहुत खतरनाक साजिश है कि ये आवाम का उलमा से ताल्लुक कैसे खत्म हो रहा है, और इतनी खतरनाक साजिशों में वो है कि हमारी मुसलमानों की जमात को इस्तेमाल कर रही है कि आवाम का उलमा से ताल्लुक कैसे खत्म हो जाए। अगर ये खत्म हो जाएगा ताल्लुक तो हम जिस तरह चाहेंगे इसको घुमा कर ले जाएंगे। ये इस्लाम को खत्म करने की साजिशों में सबसे बड़ी साजिश और अलमिया उनका यह है कि अगर इन मुसलमानों से इस्लाम को खत्म करना है तो आवाम का इनके उलमा से ताल्लुक खत्म कर दो, अगर आवाम का इनके उलमा से ताल्लुक खत्म हो जाएगा तो जल्लू फाजल्लो हम जिस तरह चाहेंगे इनको बूढ़ा कर देंगे। और जहां जहां आप मुल्कों में जाकर अल्लामा इकबाल ने उस वक्त के जो दौरे किए, उस वक्त अल्लामा इकबाल ने यह बात कही थी, इन बोरियों पर और इन चटाइयों पर सोने वाले ये उलमा जो है इनकी हिफाजत कर लेना तो इस्लाम की हिफाजत होगी, अगर इनकी नागरिकता करोगे तो आपका वही हाल होगा जो मैं दुनिया के उन मुल्कों में देखकर आया कि सारा साल तक इस्लाम की एक हिफाजत के किले सड़ते जाते थे जो हमारी, लेकिन आज वहां कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मुश्किल से मिल रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने दौरा करके उस वक्त ये बात कही। बहरहाल बात
तो इसी पर सीखी गई कि हमारे मौलाना सौबान साहब आलिम हुए, इनके दादा के जहन में बात आई एक मजलिस रखी जा रही इस्लाह माशरत पर, तो इस पर मैंने बात की। थोड़ा बार मैंने जो आपके सामने रिवायत पढ़ी उस पर कुछ बात याद जगर दो, अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचा दो। मैंने रिवायत पढ़ी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इनका नाम था साद, इनके वालिद का नाम था मालिक इब्ने सिनान, साद इब्ने मालिक इब्ने सिनान। अबू सईद तो आपकी कुनियत, आप सहाबी हैं, साथ आपके वालिद भी साथ, आपकी वालिदा भी सहाबी, आपकी वालिदा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बुखारी शरीफ में जहाँ किताबुल मगाज़ीन थी गज़वे उहद का बाप है, वहाँ हज़रत बाबू जी के उम्मे सलीम के नाम से एक बाप लाए जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चादरें तकसीम करने के लिए आई, बहुत सारी इनमें से एक बहुत उम्दा चादर है, बहुत उम्दा चादर है। साहबा ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आपके निकाह में नबी की नवासी है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी उसको ही चादर दे दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ये चादर में उम्मे सलीम को दूंगी, फरमाया कौन उम्मे सलीम, गज़वे उहद के हजरात साहबा कि लाशें पड़ी हुई थी, आखिरी सांस ले रहे थे, उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला पानी का मशकीदा लेकर आती थी और पानी डाला कर जो लोग सोए हुए थे सहाबा आखिरी सांसें पड़ रहे थे उनके मुंह में मशकीदों से डाला कर पानी डालता था, ये चादर उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला को ये वालिदा है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की, जिसकी रिवायत इनकी रिवायत मैंने आपको सुनाई, आपके वालिद मालिक इब्ने सिनान रज़ी अल्लाह तआला जलीलुल कद्र साहब, वालिद भी जलीलुल कद्र साहब ही गज़वे उहद में शहीद हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़वे उहद में हैं, आपके पेशानी से खून निकल रहा है, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी दौड़ती दौड़ती आई नबी के मुँह से खून साफ करे, हजरत अली पानी भर कर ला रहे, बेटी फातिमा मालिक इब्ने सिनान रज़ी अल्लाह तआला इन्होंने नबी की पेशानी से खून चूस लिया, अपने मुंह से जबान से चूस लिया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मालिक धूप तो नीचे, अल्लाह के हबीब आपका खून मेरे पेट में जाए कि जमीन पर जाए, नबी आपका खून यहां तक के पेट में निकल गए, मेरा आका भी जबान पर जूम रहा था, जिसके पेट में नबी का खून हो इस पर जहन्नम की आग हराम। नबी के जमाने में उम्र बहुत छोटी थी, गज़वे उहद में उम्र छोटी थी इसलिए नबी ने मना कर दिया, लेकिन बाद में आप छोटे कद के थे लेकिन मकाम आपका इतना ऊंचा था, इल्म की बुनियाद पर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का छोटे कद के थे लेकिन इल्म की बुनियाद पर मकाम इतना ऊंचा, बुखारी शरीफ की एक रिवायत है हजरत अबू मूसा शरीफ रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अबू मूसा शरीफ रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, हजरत उमर तशरीफ ले गए मकान पर, तीन मरतबा सलाम किया और इजाजत चाही, जवाब नहीं मिला, हजरत अबू मूसा शरीफ रज़ी अल्लाह तआला वापस हो गए। तीन मरतबा किसी के मकान पर जाओ सलाम करो, अगर वो जवाब न दे बड़ी खुशी के साथ वापस हो जाओ, ये सुन्नत है। हमारे यहाँ गलत तरीका है कि अगर किसी के मकान पर जाओ तो किताब पर किताब की चाहे दस मरतबा की नहीं तीन मरतबा किताओ, और बहुत सारे लोग पाँच मरतबा ही कहते हैं मसल उमड़ किया तो मसल जब गर्मा होता तो भी दरवाजा नहीं खुली, अजीब बीजा क्या बात है भाई, घर में था लेकिन आपको क्या मालूम कि बेचारा कोई आलिम हो या आप हो, आप घर में ऐसी हालत में हैं आप नहीं चाहते कि दरवाजा
दरवाजा खोल कर दूसरे से मुलाकात कर रहा है। आपकी घर की मजबूरी आप जानते हैं, घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, घर में कोई और मामला चल रहा है। हमारे यहाँ अजीब बदगुमानी का लोगों को भी जाए मतलब वो गुस्सा पैदा घेर के और घरमाओं का तो भी दरवाजे नहीं खुले। नबी की सुन्नत है तीन मरतबा सलाम करो, जवाब न दे खुशी के साथ वापस हो जाओ। मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस हो गया, बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकान पर गए, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सलाम किया, तीन दूसरी मरतबा सलाम किया, तीसरी मरतबा नबी ने सलाम किया। वो सहाबी सुन रहे थे लेकिन नबी की तरफ से सलामती की दुआ मिल रही, आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे दे गए, नबी वापस हो गए। वो सहाबी दौड़ते हुए गए, अल्लाह के नबी से चिमट गए, कहा अल्लाह के नबी मैं आपका सलाम सुन रहा था, मेरे दिल में ये बात आ रही थी मेरे आपका सलाम कर रहे हैं, मैं क्यों ये दुआ को जाने दो। नबी आपकी तरफ से सलामती की रहमत की बरकत की दुआएं निशाने मुबारक से निकल रही है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता जवाब देता था, नबी आपकी दुआएं मुझे मिलती रहती। तीन मरतबा सलाम के बाद नबी वापस हो गए, दौड़े दौड़े आए, घर का दरवाजा खोला, मालूम ये होता है नबी की सुन्नत। ये तो हमारे यहाँ जमाने जाहिलियत में जो रिवाज था, जमाने जाहिलियत में रिवाज था जो बगैर इजाजत के दरवाजा खोल कर वो हर एक आदमी किसी के घर में घुस जाता था, वो जमाने जाहिलियत वाला रिवाज हमारे अंदर आया। हम किसी के मकान पर जाते हैं सीधे अंदर घुस जाते हैं, न इजाजत चाहिए न सलाम किया, बल्कि घर वाला भी बार मरतबा नहीं चाहता कि आप बगैर इजाजत के घर में दाखिल हो जाओ। जमाने जाहिलियत वाला इस्लाम का तरीका नहीं। दोबारा अबू मूसा अज़दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर ने कहा अच्छा ये नबी की सुन्नत है, कहा ये रिवायत का कोई गवाह है। हज़रत उमर बड़े एहतियात करते थे, फरमाया हज़रत अबू मूसा अज़दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी में गए, हज़रत उमर इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस लगी हुई थी, उमर इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया अल्लाह के हबीब ने फरमाया किसी के मकान पर जाओ तीन मरतबा सलाम करो जवाब न दे वापस हो जाओ। ये रिवायत मैंने नबी से सुनी थी, आप लोगों में से किसी ने सुनी है? वो भाई अपने काब ने कहा ये तो हमने से हर एक जानता है, फरमाया कोई गवाह चाहिए, फरमाया हमने से छोटे को ले जाओ, छोटे कौन के हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला इसको ले जाओ, ये भी गवाही दे देगा इसका। तो ये रिवायत जो मैंने पढ़ी इसके रावी है हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मन अकल तैयब वामिल फी सुन्नती, जो आदमी रिस्क हलाल पाएगा नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, वामिन नास बवाइकौ और लोग उसकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफों से मामून होंगे। मेरा आका ने फरमाया दाखिल जन्नत, कहा दाखिल होगा जन्नत में जाएगा। पहली बार मन आका लगता ही बात, जो आदमी रिस्क हलाल पाए, हमें तो इसको अहमियत ही नहीं देती। हालांकि रिस्क के हलाल कमाना फर्ज है फराइज के बाद, रिस्क के हलाल का हमारे माशरे की सलाह वो फला और बिगाड़ का बुनियादी अगर कोई जरिया है तो रिस्क के हलाल का। हमारे माशरे के सुधार के लिए और हमारे माशरे के बिगाड़ के लिए भी अगर कोई बुनियादी चीज है तो रिस्क हराम है। इस मजलिस में नियत कर लो कि मुश्तबे माल से भी अपने आप को बचाए जाए, मन आपका तय्यब जो रिस्क हलाल खाएगा। बहुत बड़ी चीज है रिस्क हलाल, रिस्क हलाल। आप देखिए हजरत अंबिया को अल्लाह कुरान में कहता है अगर आमाले सालिहा करना चाहो तो पहले रिस्क हलाल का इत्तेबा करो, हजरत अंबिया को कह रहे कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमा दे जाने यूगल रसूल कुलु मिन तय्यिबात व अमलु सालिहा। ए रसूलों तुम बाकी दारी सिखाओ और आमाले सालिहा करो,
शाह इब्ने अब्दुल्ला दस्तरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल लिखा है अहयाउल उलूम में, अगर तुम रिज़्क़ के हलाल खाओगे, हलाल रिज़्क़ तुम चाहो या ना चाहो, ये तुम्हें अच्छे आमाल की तरफ ले जाएगा। तुम चाहो या ना चाहो, अगर तुम रिज़्क़ के हराम का इंतजाम करोगे, सुन लो, अगर तुम रिज़्क़ के हराम खाओगे, तुम चाहो या ना चाहो, ये तुम्हें बुरे आमाल की तरफ ले जाएगा। तुम चाहोगे ना चाहो, ये तुम्हें बुरे आमाल की तरफ ले जाएगा। फिर नमाजों में दिल नहीं लगेगा, मस्जिदों में दिल नहीं लगेगा, फिर कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगेगा, फिर तरावी में दिल नहीं लगेगा। चाहो या ना चाहो, रिज़्क़ हराम की नहुसत है, ये बुरे आमाल की तरफ तुम्हें ले जाएगा। नबी अलैहि सलाम अपने मकान पर तशरीफ लाए, हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस वाक्य को लिखा है, अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए, घर में एक खजूर पड़ी हुई थी, रात का वक्त था, मेरे आगा ने सोचा ये जाया हो जाएगा, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने इस खजूर को लिया, मुंह में डाल दिया, और उसके बाद आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है, रात में करवटें पर करवटें ले रहे हैं, करवटें पर करवटें ले रहे हैं, नींद कहीं झोंका नहीं आ रहा अल्लाह के हबीब को। मैंने पूछा अल्लाह के हबीब आप करवटें पर करवटें ले रहे हैं, नींद कहीं झोंका आपको नहीं आ रहा, क्या बात है? अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, या उमैरा, या आयशा, फरमाया मैं घर में आया, एक खजूर पड़ी हुई थी, मैंने इसलिए खा ली, इस आए हो जाए कि अल्लाह का रिज़्क है। फरमाया फिर मेरे अकेले में ख्याल आया, कहीं ये सदकी की खजूर तो नहीं होगी, हालांकि नबी की आल पर सदका हराम। फरमाया मेरे जहन में ख्याल आया, हालांकि जानबूझ कर नहीं बनाई, बात में मेरे जहन में ख्याल आया, नबी फरमाते हैं कहीं ये सदकी की खजूर तो नहीं होगी। पूरी रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करवटे पर करवटे लेते गए, करवटे नींद गए, झोंका नहीं आया। हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल करने के बाद फरमाया, आका का हाल तो यह है, आका का हाल तो यह है, मेरे नबी का हाल तो यह है, एक खजूर वो भी मुश्तबे में हो सकता है कि खजूर सदके की हो, एक तरफ नबी का हाल है और एक तरफ गुलामों का हाल है, इनके जहन में ख्याल भी नहीं आया कि अल्लाह के पास क्या जवाब देगी। अभी 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 मैं आपको गुज़िश्त हफ्ते की बात सुनाऊं, ऐसे वाकयात तो बहुत आते हैं कि किसी जगह पर निकाह के लिए जाना हो, उससे कबल घर वाले गए थे, बहन भाई का मामला था, शादी के अंदर भाई अपनी सगी बहन के वहां नहीं आया, किसी और के वहां आया, मामला पूछा, एक ही दिन में गांव में दूसरे के वहां भी शादी थी, बहन की वहां दूसरे दिन शादी थी, भाई ने कहा मैं नहीं आऊंगा। फिर मामला क्या बना, सिर्फ मामला ये बना, बहन ने अपने मीरास के हक का मुतालबा किया, 40 लाख की जमीन बेची, बहन को मीरास का हक जो दिया सिर्फ 20,000 रुपये, लेकिन वो 20,000 रुपये बहन ने लिए सब सिग्नेचर और दस्तखत करने के, जिंदगी भर के लिए भाई ने अपनी बहन से ताल्लुक खत्म कर दिया। हथौड़ा वालों बात तो कड़वी लगी, मैं जगह जगह कह रहा हूं जिंदगी भर के लिए, और ये एक जगह नहीं, रोज मक्का के हमारे यहां हालात कि बहन ने जरा अपने भाई से हक का मुतालबा किया, जिंदगी भर का ताल्लुक खत्म। अरे भाई तो अपने पास से नहीं दे रहा है, तो अपना माल नहीं दे रहा है, ये माल तो तेरी बहन के लिए कुरान ने फैसला फरमाया है, और कुरान का अटल फैसला है, चाहे तेरे जहन और अकल में आ ही रहा है, लेकिन अगर तू बहन का हक दबा कर, अगर तू माल मीरास का खा जाएगा, याद रखना तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ये मीरास का माल मेरे और आपका हक का नहीं है, ये मीरास के माल तो हमारे बाप छोड़ कर गए, हमारी माँ छोड़ कर गई,
फैसला कुरान ने फरमा दिया, मुझे और आपको फैसला करने की अब कोई जरूरत नहीं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी जबान से, मतलब हमें के फतवों को नहीं मानी, हमें तो हमारे याद रखना ये जुमला अठोड़ा वालों ये बात कहता हूं, मैं जगह जगह पर ये बात सुना रहा हूं, ये जुमला कहीं तो इस्लाम से बाहर तो नहीं। तो फतवा नहीं मांगते, अपने घर का फतवा नहीं देता, ये फतवा तो कुरान का फतवा है, तो क्या तुम कुरान की बात को नहीं मानी? और कुरान की बात का इनकार करने वाला इसके लिए कुफर का फैसला हो रहा है। कहीं हम ये जुमले से इस्लाम से खारिज तो नहीं हो? मन आपका रतई रिश्क हलाल खाओ, रिश्क हलाल सबसे चीज हमारे माशरे की सलाह और हमारे माशरे के बिगाड़ का सबसे बुनियादी सबब अगर हुए तो रिश्क हराम है। रिश्क हराम से अपने आप को हम बचाए, इसलिए कि आप देखें आज चारों तरफ से हालात है मुसलमानों, कहीं बीमारियों के हालात, कहीं वायरस के हालात, दिन के 50-25 फोन आते होंगे, मौलाना भाई तरफ रहा है बिस्तर पर वायरस की बुनियाद पर, बहन तरफ रही है या बीवी तरफ रही है, कहीं एक डेढ़ साल से हम हालात में है, मुल्क के तमाम चारों तरफ से न कोई हालात में है, हमारी दुआएं की कबूल नहीं हो रही, कहीं हमारे रिस्क में कोई माल हराम का तो नहीं? बुखारी शरीफ की रिवायत है, मेरा बंदा तेरे कपड़े गुबार आलूद होंगे, तेरा सर गुबार आलूद होगा, तू सफर में होगा, दुआ मांगेगा या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं, मैं तेरी दुआ कैसे करूं, ताम हो हराम, शराब हो हराम, मलबस हो हराम, तेरा लिबास हराम है, तेरा खाना हराम है, तेरा पीना हराम है, मेरे बंदे मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं। हमें इस पर सोचना है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कस्बे से वापस आ रहे थे, एक औरत ने आपकी दावत की, अल्लाह के हबीब ने पहला लकमा मुंह में रखा और पहला लकमा मुंह में रखने के बाद में नाका फरमा रहे फौरन निकाल दिया और फरमाया ये मुश्तबे मार, पूछा फरमाया ये बकरी मालिक की इजाजत के बगैर शायद कतल जवाब की गई थी। इस औरत से पूछा कि तूने नबी की दावत दी है बकरी? कहा नबी की दावत दी, मैं तलाश करने के लिए बकरी निकली, कहीं मिली नहीं, एक जगह पर बकरी मिली, लेकिन इस औरत ने कहा मेरा शौहर बाहर गया हुआ है, मैं बकरी तो दे देती हूँ लेकिन मेरा शौहर जब आ जाए तो उससे मामला कर लेना पैसे का। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इस बकरी का मालिक शौहर औरत नहीं थी, और फरमाया मालिक की इजाजत के बगैर बकरी दफन की जबा की गई। नबी ने पहला लुकमा रखा और निकाल लिया, फरमाया ये माल कैदियों को मिला। मन अकल तय इसके हालात का इंतजाम ना, इसके हालात का इन अल्लाह तय्यिब ला यक्बल इल्ला तय्यिब, अल्लाह पाकीजा है और पाकीजा माल को कबूल करता है। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि आदमी सबको टोपियां पहना दे और उसके बाद समझे कि एक मस्जिद बना लूंगा, लाखों करोड़ों की लोगे तो सारा मेरा माल जायज और हलाल हो जाएगा, सारा माल मेरा जायज और हलाल हो जाएगा। भाई नापाक कपड़ा है, इसको अगर पेशाब से धोओगे तो ये पाप होगा? अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का कौल सुना दो, याद रखो लोग हज के लिए उमरे पर उमरे, हज पर हज, उमरे पर उमरे, और कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ दबाए हुए बहन रो रही एक तरफ हक पर, बहुत सारे लोग हक पर रो रहे। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने फरमाया मैं 1,00,000 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका करूंगा, इससे बेहतर है कि अगर किसी का 1 दिरहम मेरे पास बाकी हो इसको मैं पहले अदा करूंगा। 1,00,000 रुपये सदका नहीं करोगे कोई नहीं पूछेगा, अल्लाह सवाल नहीं करेगा इस पर, लेकिन किसी का 1 रुपया बाकी होगा कयामत के दिन जन्नत का फैसला नहीं होगा जहां तक के तो किसी के हक को अदा नहीं होगा। इन्नल्लाह तय्यिब ला यक्बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाकीजा है
और पाकीज़ा माल को कबूल करता है। अपने नीले का बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम शबाब में थे और ये रबी काबतुल्ला बना हुआ है। आप सब जानते हैं ये काबतुल्ला मुशरिकी ने मक्का का बना हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो काबा बनाया था वो तूफान नूह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा, लेकिन आग लगी और उसकी बुनियाद पर उसकी इमारतें बोझिला हो गई थी। अल्लाह के हबीब के शबाब के दौर में ये काबतुल्ला जो बनाया गया, मुशरिकी ने मक्का ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में क्या तय किया, भाई जिसके पास बिल्कुल हलाल पैसे हो, मुश्तबे भी नहीं, बिल्कुल हलाल पैसे हो वो जमा करे, इसलिए कि हमें अल्लाह का घर बनाना है। अल्लाह का घर बन, बहुत सारे लोग पैसे फतवे पूछते हैं कि मतलब मस्जिद को काम कर रहे थे भाई सूद का बिहार ईमानों के नहीं लिए कि नहीं लेंगे आपके घर में, अल्लाह के घर में तुम कह रहे हैं ये माल अल्लाह के घर में, मैं आपको अल्लाह के घर में बैठ कर कह रहा हूं मुझसे कितने लोगों ने मसला पूछा। मुशरिकी ने मक्का इसको जानते थे, मुशरिकी ने मक्का इसको जानते थे, बिल्कुल हलाल पैसा हो वो जमा करे। आप अंदाजा लगाए अभी हतीम का जो हिस्सा है, जो लोग हरमैन शरीफेन गए हैं अल्लाह नहीं गए हैं, इनको बार बार हम सबको ले जाए, अल्लाह हम सब की हाजिरी नसीब करे, अल्लाह जल्दी से काबतुल्लाह के और मसाजिद के दरवाजों को खोल दे। अल्लाह आपने देखा होगा कि हतीम का हिस्सा काबतुल्लाह से बाहर है, हालांकि हतीम काबतुल्लाह का हिस्सा है, लेकिन मुशरिकी ने मक्का के बाद हलाल पैसे खत्म हो गए, दीवार ले ली और थोड़ा हिस्सा काबतुल्लाह का बाहर निकाल दिया, इसलिए कि उनके पास हलाल पैसे नहीं थे, काबतुल्लाह का कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया, लेकिन हराम पैसों से इतना हिस्सा मुशरिकी ने मक्का ने भी नहीं बनाया। अल्लाह पाकीज़ा तुम्हारे पाकीज़ा माल को कबूल करता है, तो मन अकल तैयबा जो आदमी रिश्के हलाल खाएगा, रिश्के हलाल खाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे मशाई के पास जाते थे कि हमारा औलाद नाफरमान हो चुकी है, औलाद पहला सवाल ये होता था औलाद को कहीं मुश्तबे माल तो नहीं खिला रहे हैं, हराम नहीं कह रहा, कहीं औलाद के पेट में मुश्तबे माल तो नहीं जा रहा है, जिस औलाद के पेट में मुश्तबे माल भी जाएगा, मैं हराम की बात नहीं कर रहा हूं, वो औलाद नाफरमान बनेगा। मन अकल तैयबा और हमारे अकाबरीन ने मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अजीब वाकिया आपको सुनाऊं, रिस्के हलाल की कितनी बरकत है। और कौन है मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे शाह अब्दुल अजीज शाह इसहाक साहब वगैरह के शागिर्दों में से हैं, बल्कि हमारे हजरत जीमा इल्या साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हजरत माना इस्माइल साहब, ये मुरीद थे मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये हमें दावत और तबलीग का ये जो बरकत मिली है, ये बरकत है हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये गांव गांव जाते थे, किसी मस्जिद में कयाम कर लेते थे एक आध दिन का, किसी को मस्जिद नमाज की दावत देते, अगर मकतब नहीं होता तो उस गांव में मकतब को कायम कर देते थे, गांव गांव चले जाते थे हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कादरवी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन आपका रिश्ते हलाल का वो एहतमाम था, हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है फजाइल में, फरमाया उनके खानदान के लोग इनको दावत देने से पहले डरते थे, इसलिए कि अगर मुश्तबे माल पेट में जाता था तो इनको फौरन के हो जाते थे, उनके खानदान के लोग भी दावत के लिए डरते थे कि कहीं मुश्तबे माल जो पेट में चला जाएगा तो फौरन इनको उल्टी उल्टे हो जाती थी। इन्हीं मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कादरवी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक गांव में चले गए, गांव में उस वक्त मस्जिद में एक रूम होता था, एक कमरा होता था, वहां ठहर जाते थे एक दिन ठहरे, और पहले ये उसूल था कि हमारे मस्जिद के अंदर कोई भी मेहमान होता था, और हमारे भी यहाँ मैंने बचपन में देखा है, ये अलग बात है कि आज हमारे यहाँ मेहमानी का जो मिजाज है वो लोगों में कम हो गया है, पहले मैंने भी बचपन के जमाने में देखा था कि हमारे यहाँ देहातों में जो मस्जिद होती थी वहाँ कोई मुसाफिर सफीर भी आ जाता था, कोई चंदे के सिलसिले में या कोई और सिलसिले में लोग आते थे, तो
गांव में से कोई ना कोई आदमी उसकी दावत कर लेता, इसके लिए खाना ले जाते थे, इसके लिए घर ले आकर खिला देते थे। वो गांव वाले इसको समझते थे कि हमारा मेहमान है। आज तो बेचारे पास सभी आते हैं तो रात भर रमजान के अंदर भी बगैर रोजा इफ्तारी के बाद बगैर खाए हुए सहरी की या नहीं की बेचारे दो चार केले वगैरह रख देते और कह देते कि मौलाना पूरे गांव में अंदर कभी किसी ने सहरी के लिए भी नहीं पूछा तो मैंने दो केले से सहरी कर ली। ये मिजाज अब कम हो गया, वरना हमारे बड़े बूढ़े जो थे चाहे कम कमाते थे इनके खेतों से आता था कुछ कमाया हुआ, लेकिन इनके दिल बहुत बड़े थे। आज हम बहुत कमा रहे हैं लेकिन हमारे दिल बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे दिल हो गए। तो बहरहाल हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब फरमाते हैं, मैं ठहरा मगरिब की नमाज के बाद एक आदमी आया सबसे आखिर में, नमाज पढ़ी और उसके बाद मुझे कहा कौन है, तो मैंने कहा मैं तो मुसाफिर हूँ। घर गया और अपने घर से तीन रोटियां लेकर आया। हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मुझे तीन रोटियां दी, मैंने तीन रोटियां खाकर रात गुजार ली। हालांकि मैं एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरता था, फिर किसी और मौके पर आता, लेकिन मैं दूसरे दिन भी ठहर गया। दूसरे दिन की रात में यही आदमी मगरिब की नमाज के बाद आया और अपने घर से दो रोटियां लेकर आया, मेरी खिदमत में पेश की, मैंने दो रोटियां खाई। तीसरे दिन भी मैं ठहर गया। तीसरे दिन मगरिब के बाद वही आदमी मेरे पास आया, एक रोटी लेकर आया और ये कहने लगा कि भाई हजरत अब आज के बाद आप यहाँ से चले जाए, कल मुझे आपके पाप को खिलाने की ताकत मेरे पास नहीं है। हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब का हजरत भी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इसको बिठाया और पूछा भाई तेरा रिस्क क्या है। फरमाया हजरत मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ, रोजाना इतना कमाता हूँ कि तीन रोटियां कमा लेता हूँ। तीन रोटियों में से एक मैं खाता हूँ, एक मेरी बीवी खाती है, एक मेरा बच्चा खाता है। कल आप मेहमान थे, मैं तीनों रोटियां घर से आपके लिए ले आया, मैं भी भूखा रहा, मेरी बीवी भी भूखी रही, मेरा बेटा भी भूखा रहा। लेकिन दूसरे दिन जो रोटियां लाया, मैं और मेरी बीवी तो भूखी रही, मेरे बच्चे के अंदर भूखा रहने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ दो रोटियां लेकर आया। हजरत आज एक रोटी लेकर आया हूँ, आज मेरी बीवी में भी भूखा रहने की ताकत नहीं है। मेरा भी तीसरा दिन है, मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं तीन दिन से फाके पर हूँ, कल मेरे अंदर भी भूख की सहने की ताकत नहीं है, इसलिए हजरत कल चले जाए। हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब का दलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई तेरे रिज़्क की बरकत ये है, तीन दिन से इस मस्जिद में मैं ख्वाब में देखता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और रात भर ये हो गया है मैं ये इबादत कर लूं, वो इबादत कर लूं, मैं ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं। फरमाया तेरा रिज़्क इतना बरकत वाला है कि तेरे रिज़्क की ये बरकत है कि पूरी रात मेरा दिल कहता है ये इबादत कर लूं कि वो इबादत कर लूं, और तेरे खाने की बरकत है मैं तीन दिन से ख्वाब में देख रहा हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए मैं तीन दिन यहाँ रह गया। हमारे शाहजी अब्दुल्ला के मुतालिक भी आपने सुना होगा कि बार बार ये उलमा से वाकिया सुना, देवबंद के अंदर एक शाहजी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह थे, ये घास की पुड़िया काट कर लाते थे और घास की पुड़िया काट कर लाते थे, इतने नहीं काटते थे, लोग लूटते थे और चार आने में देते थे, कोई ज्यादा लेता था तो भी लेते नहीं थे, चार आने। फरमाया एक आना अपनी जरूरत के लिए खर्च करते थे, एक आना अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी को ले लेते थे, एक आना उसी वक्त गरीबों को सदका कर देते थे, और एक आना साल भर जमा करके साल भर के अंदर देवबंद के जो अकाबिर थे हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इन सारे अकाबिर देवबंद की साल में एक एक आना रोजाना जमा करके साल में एक दो मरतबा जब पैसे जमा होते थे तो उनकी दावत करते थे, ये चार आने रोजाना रहते थे, चार आने से ज्यादा अपना पूरा किसी को बेच के फरमाते हैं कि हमें शाहजी अब्दुल्ला की दावत का इंतजार रहता है। क्यों? फरमाया चाहे रूखा सूखा खाना खिलाते थे लेकिन उनके घर खाने के बाद दो महीने तक उनके रिज़्क के हलाल की बरकत हम महसूस करते थे, बरकत है रिज़्क के हलाल की, दो महीने तक हम इसकी बरकत को महसूस करते थे। एक मरतबा एक सिपाही और पुलिस वहां से जा रहा था, शादी अब्दुल्ला
चारा काटने के बाद फौरन गिरने लगा और चक्कर खाने लगा। लोगों ने फरमाया कि जानता है ये जमाने का वली इंसानी अब्दुल्ला, तूने अब उसका चारा ले लिया, ये तेरा घोड़ा भी बढ़ जाएगा। ये दौड़ा दौड़ा आया और शाजी अब्दुल्ला से माफी मांगने लगा। मन आदा ने वलीयत मगर आदत तो लिल हर, तुम अल्लाह वालों को तकलीफ पहुंचाते हो, अल्लाह लड़ाई का ऐलान करता है। और मैं एक रुपया आपको लेता हूँ, आप माफ कर दे। शाजी अब्दुल्ला ने फरमाया मुझे एक रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो अपने चार आने दे। अब अंदाजा लगा है, इसी से हमारे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने बहुत बड़ी के बाद आप लोगों को बदला रहा हूँ। हमारे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने इस पर फरमाते हैं, लोगों जो कमाओ इनमें से एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर। अठोड़ा वालों अगर ये बात आप दिलों में लिख लो तो एक साल के बाद तो मुझे याद रखिएगा, अल्लाह फिर तुम्हारे रिश्तों में कैसी बरकत देगा, कैसी बरकत देगा। और तुम्हारे रिश्ते पर मैं सऊद अफ्रीका आज से 2005 में गया, बहुत से लोगों ने मुझे शिकायत की मौलाना यहाँ कालों की बहुत तकलीफ है, परेशान करते हैं, मारते हैं, लूट लेते हैं, फुला फुला बहुत सारी बातें सुनाई। कोई अमल बदलाए, मैंने इनको एक बात बदलाई जो यासीन शरीफ का और मंजिल का इहतमाम के साथ, तुम जो कमाओ एक तो अल्लाह के रास्ते में ज़कात तो फर्ज है, मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा, तुम जो कमाओ इनमें से एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, सदके की नीयत से, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारे माल को महफूज कर दे। इसकी बरकत से, लेकिन हम इसका एहतमाम तो करें। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं जितना बगैर मेहनत के कमाता हूँ उसका 10वां हिस्सा, और जो मेहनत से कमाता हूँ उसका 20वां हिस्सा उसी वक्त सदके में निकालता हूँ। और सदके की बरकत से लोगों, इन सदका लतुफ़ गज़ब रब। इस दौर में अभी मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आज की मुबारक मजलिस में कोई भी खड़ा हो जाए और जिसको अल्लाह ने जो भी ताकत दी, चाहे पांच पांच जो हालात चल रहे उम्मत पर, इस पर मैं कह रहा हूं और वो भी मेरे लिए नहीं, आपके गांव की कमी की चाहे 500 रुपये भी होगा तो वो जरूरत में खर्च करेगा, लेकिन हर आदमी यहां से निकलते वक्त उम्मत के जो हालात चल रहे हैं उस पर सदके की नीयत से रुमाल डाल दो वहां, और रुमाल में जो भी दिल में आए डाल दो, नीयत ये करो कि अल्लाह तेरे गजब से हम बना चाहते हैं और तू जो हालात चल रहे इसको खत्म कर दे, इंशाअल्लाह अल्लाह इस सदके की नीयत से तुम्हें बलाओं से महफूज कर दे। नीयत करते हो चाहे एक एक रुपया भी हटोड़ा वालों, अभी हम अभी बयान खत्म हो जाए तो कोई भी जिम्मेदार हो वो रुमाल लेकर खड़ा हो जाए, सब महीने कहता कि आप 50,000 रुपये, चाहे 5 रुपये भी सदके के लिए, जो सिर्फ अपने बला से नहीं अल्लाह पूरी उम्मत से ये हालात खत्म कर दे। सदके में ये ताकत है कि अल्लाह बड़ी बड़ी बलाओं को खत्म कर दे। हम अपनी कमाई में से भी एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका करें, फिर देखो आपके माल में कैसी बरकत होती है। तो पहली बात मैंने कही, वक्त काफी हो रहा है, मैं अपनी बात रिवायत को खत्म कर दूं। सिर्फ मन अकल चाहिए, जो आदमी रिश्ते हलाल का इंतजाम करेगा, बहुत बड़ी चीज है रिश्ते हलाल का इंतजाम करें। दूसरी बात अल्लाह के हबीब ने फरमाई, वह अमी नबी सुन्नत, और नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, नबी की सुन्नत पर अमल करेगा। दूसरी बात फरमाई वह अमीन अन्नास बवाई, दूसरी बात नबी की सुन्नत पर, भाई हमारे लिए लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, एक आइडियल और एक सैंपल और एक नमूना हमारे पास जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह एक आइडियल बना कर, और उससे बेहतर और अजीम चीज हमारे लिए क्या, इससे बड़ी चीज क्या होगी। जिस नबी की इर्शाद पर आप देखो, जिस नबी के औसाफ कामिल, अखलाक कामिल, हुस्न कामिल, सूरत कामिल, लेकिन ये उम्मत आज यूरोप की कल्चर और तहजीब के पीछे
दौड़ रही है। और इसी बुनियाद पर याद रखो मुसलमानों, अगर आज भी ये उम्मत सुन्नत पर अमल करने वाली हो जाए, अल्लाह ताला सारी कौमों में तुम्हारा रौब डाल देगा, तुम्हारा ये सुन्नत की सबसे बड़ी बरकत है। आप देखिए का हजरत के सहाबा हजरत उमर कैसर और किसरा की सुपर ताकत हुकूमत पर, लेकिन एक उमर चलता था कैसर और किसरा की ताकत पर लड़सा तारी हो जाता। कैसर उमर के पास कोई सुपर ताकत हुकूमत थी? कौन सी ताकत? हजरत उमर कहते थे ये वो उमर है इसको बकरियां चराने का तरीका नहीं। लेकिन आज अल्लाह के हबीब अली सलातो व सलाम की सुन्नत पर अमल करके आज तो रूहानी ताकत पैदा हो चुकी है कि सुपर ताकत हुकूमत से उमर के नाम से लड़ रही है। सर पहले से कानून था, जब 20 साल में दरियाए नील चलता था, साल में एक औरत को दुल्हन बनाकर दरियाए नील में डाल दी जाती थी तो ही दरिया नहीं चलता है। सालों से ये परंपरा चली आ रही है, सालों से। जब हजरत उमर बिहार पर मिसर फतह हुआ, अब्दुल्लाह इब्न अब्न बिनास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खत लिखा हजरत उमर, फरमाया यहां तो साल में दरियाए नील के चलने के लिए एक औरत की जान देनी पड़ती है तो ये चलता है, वरना अपना चलना छोड़ देता है, क्या किया जाएगा? हजरत उमर ने जवाब में लिखा, खत लिखा, ये खत दरियाए नील के नाम पर था, पर हजरत उमर ने लिखा था नबी का गुलाम उमर लिख रहा है। ये दरियाए नील तो अपनी मनमानी से चलता है, तो हमें तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं, तो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, तो नबी का गुलाम उमर कह रहा है तो अपना चलना जारी फरमा दे। अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस को कहा कि एक खत जमीन में डाल दे, दरियाए नील में डाल दो, ये खत दरियाए नील हजरत उमर का डाला गया, हथौड़ा वालों आज तक दरियाए नील ने अपना चलना बंद नहीं फरमाया। कौन सी ताकत थी ये? ताकत हम में से हर एक के पास मौजूद है, लेकिन तुम अपनी ताकत को भूल भूल गए। तुम यूरोप की तहजीब के पीछे एक पागलों की तरह तुम दौड़ रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हारे पास वो ताकत दी है, अगर आज भी सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दोगे, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं अगर तुम एक भी होगे दुनिया की ताकतें तुम्हारे नाम से लड़ेंगी। आगे तुम्हारे पास तो वो ताकत मौजूद है। हजरत हमारे हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा उस वक्त मुजफ्फरनगर का कलेक्टर अंग्रेजों के जमाने में देखने आए। हजरत रशीद अहमद गंगोई कौन है? कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ये लोग चले, इसमें से ये भी है। मैं देखूं तो सही कि अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग एक ताकत बनाकर लड़ने के लिए। हजरत रशीद हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, आपने अपने दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी बंद कर दिया। मुजफ्फरनगर का एक कलेक्टर था, अंग्रेजों की तरफ से आ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस दारी को खोले और दरवाजे को खोले। दूसरी मरतबा हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने कहा, हजरत असल बात यह है कि देवबंद के खिलाफ बहुत सारी बातें गलत पहुंची है मुजफ्फरनगर के कलेक्टर को, तो आपको चाहिए कि आप जरा मुलाकात करके सफाई दे दें। तो आप मुजफ्फरनगर के कलेक्टर के पास हजरत को उस वक्त उठाकर ये लोग उस वक्त बालियां चलते कि उसमें ले गए, तो आपने सलाम किया, उसने जवाब दिया और उसके बाद उसने कहा हजरत पे नसीहत करो, कहा साफ करो अल्लाह की मखलूक के साथ नरमी का मामला करो, इस तरफ देख कर ये बातें कही और आप चले आए। और मुजफ्फरनगर का कलेक्टर उस वक्त ये कह रहा है कि कौन आदमी था, ये कौन था? फरमाया क्यों? फरमाया ये जब तक यहाँ थे मेरा पूरा दिल काम रहा था। गंगोई रहमतुल्लाह अलैह दूसरी तो ये अल-हुई वल बिल-कुलूबिल फजरा, ये सुन्नत की ताकत है कि अल्लाह ताला फासिकों के दिलों में तुम्हारा खौफ पैदा कर देगा। हजरत गंगोई का जुमला है जवाब, लेकिन कैसी सुन्नत की ताकत थी? 23 साल तक आपकी तकबीर तहरीमा भी फौत नहीं हुई। 23 साल मुसलमान, तुम्हारे पास सबसे अजीम चीज है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन
सुन्नत पर अमल करो। भाई हम यूरोप की तहजीब के पीछे अगर अल्लाह के हमीद ने फरमाया आप अपना पायजामा लखनऊ से ऊपर पहनो, हमारे हजरत अब्दुल मुफ्ती साहब कहते हैं अगर आज यूरोप की तहजीब घुटनों से ऊपर पायजामा पहनेंगे तो मेरा जवान उसकी इंतबाह के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे आका ने 1400 साल से फरमाया लेकिन मेरा जवान उसकी इंतबाह के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि मुसलमानों आखिर में बतला दो आपको इंतजाम से पहले तुम्हारे पास वो नबी अल्लाह ने तुमको दिए वो नबी तुमको अता फरमाए हैं। सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आए लेकिन सारे अंबिया का इमाम बनाकर भेजा है तो मेरे और आपके नबी मोहम्मद قران کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کے دیجیے اپنی امت کو अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं क्या करोगे? फत्तबिउनी ए नबी आपकी उम्मत को बतला दीजिए कि अगर तुम मेरे नबी की इत्तिबा करोगे युहिब्बुकुम अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और अल्लाह उसके बदले में तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। थोड़ा वालों अल्लाह ने मुझे और आपको ऐसा नबी अता फरमाया था अखलाक भी जिसके कामिल थे। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछते थे कि आयशा नबी के अखलाक बयान करो। जमाल नबी का देखना हो तो भी कुरान से पूछिए। जगह जगह पर कुरान नबी का जमाल बयान करना है। जमाल तो इतना काबिल जमाल मेरे नबी का ऐसा था। मेरे जवानों तुम दुनिया की यूरोप की तहजीबों में जमाल तलाश कर रहे हो हालांकि जमाल तो अल्लाह ने दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 14वीं रात का चांद चमक रहा है, एक तरफ 14वीं रात के चांद पर निगाह डालना था, एक तरफ अल्लाह के हबीब के चेहरे पर निगाह डालना था। कभी तो 14वीं रात के चांद को देख रहा हूँ, अल्लाह कभी अल्लाह के हबीब के चेहरे को देख रहा हूँ, तमीज करना चाहता रात में चांद ज्यादा खूबसूरत नजर आता है कि मेरे नबी का चेहरा खूबसूरत मालूम होता है। खुदा पाक की कसम मेरी आंखों ने यह फैसला कर लिया कि 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा तेरे नबी का चेहरा खूबसूरत मालूम होता है। लोग बयान करते हैं हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के मानने वालों ने कहा कि मेरे नबी की सवारी दो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी को सवारी दो हवाओं में उड़ रही है लेकिन कठोरा वालों जब मेरे और आपके नबी का मकाम आया मेरे और आपके नबी की सवारी अल्लाह ने वहां पहुंचा दी जहां जिब्रील अमीन की सवारी भी नहीं पहुंची। सुभान रब सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिन अल मस्जिद अल हराम इल अल मस्जिद अल अक्सा अल्लज़ी बारकना। तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई, हजरत आदम अलैहि सलातो वसलाम को इनामत अता फरमाई, हजरत नूह अलैहि सलातो वसलाम को वलवले तबलीग अता फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वसलाम को जोशे तौहीद अता फरमाया, हजरत याकूब अलैहि सलातो वसलाम को हिदायत और सारी अता फरमाई, हजरत यहया अलैहि सलातो वसलाम को इनामत अता फरमाई, हजरत मूसा अलैहि सलातो वसलाम को हम कलामी अता फरमाई, हजरत यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम को हुस्न अता फरमाया। लेकिन अठोरा वालों जब मेरे और आपके नबी की बारी आई
बख्शीश मांगने के लिए अपने हाथों को जमा करेगा। ए नबी, तेरे हाथ दोनों जमा भी नहीं होंगे, उससे मेरे में आसमानों पर दोनों बादलों को जमा कर दूंगा। मकाम तेरा इतना है, तेरे मांगने में ताकीर होगी लेकिन मेरे देने में ताकीर नहीं होगी। मकाम इतना ऊंचा बदगल होगा भी कमाली जी कशब तुझा भी जमाली ही हसनत जमियो गुसाली ही सल्लू अलैहि वाली दुश्री पर अल्लाहुम सल्ली अला सैयदिना मुहम्मद वाला अली सैयदिना मुहम्मद वाली वसल्लम। मकाम इतना ऊंचा है नबी अलैहि सलातो वसलाम को कुरान बयान करता है वैदा कर वालों, ये आसमानी निजाम था, अल्लाह इस बच्चे को इस
कोई शहर की बात कर रहा है, मैंने तो कुल कहा मुल्क भी सफर किए, मैंने बच्चे बहुत देखे हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी मुल्क में इतना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। थोड़ा वालो काश की उस मस्जिद में जिब्राइल अमीन होते, उस मजलिस में जिब्राइल अमीन होते तो आगे का झूठा भी कह देते। कोई गांव की बात कर रहा है, कोई शहर की बात कर रहा है, कोई मुल्क की बात कर रहा है, जिब्राइल होते तो ये कह देते मैंने कायनात में इतना खूबसूरत बच्चा आज तक नहीं देखा है। अल्लाह ताला ने वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हमको अता फरमाए थे। और आज तो यूरोप की तहजीब की पीछे दिल दादा हो और पागल होकर हम दौड़ रहे हैं। काश हमी नबी सुन्नत, अगर नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे अल्लाह रौब तुम्हारा दुश्मनों के दिलों पर डाल देगा, और नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे यकीन के साथ कहता हूँ अल्लाह हमारे घरों को सुकून के साथ भर देंगे। आखिरी बात वामी नन्ना सो हवाई कहो और हमारी तकलीफ से लोग महफूज हो जाए। मेरी जबान से मेरे हाथ से वक्त नहीं इस पर तफसील करो, सिर्फ तर्जमा मैंने कर दिया, लोग हमारी तकलीफ से महफूज हो जाए, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आज तो मेरी जात से मेरा भाई परेशान, मेरी बहन परेशान, मेरी बीवी परेशान, मेरे पड़ोसी परेशान, मेरे रिश्तेदार परेशान, मेरे गांव वाले परेशान, लोगों मेरी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। मेरी जात से न अपनों को, न परायों को, न दोस्तों को, न दुश्मनों को किसी को तकलीफ न पहुंचे। अगर तीन बातें मन अमीन अफी सुन्नती वामीन सुबहल जन्नत, नबी ने फरमाया जन्नत में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।